बहुत समय पहले की बात है, एक सुंदर हरे भरे वन में चार मित्र आ करते थे। उनमें से एक था चूहा, दूसरा कौआ, तीसरा हिरण और चौथा कछुआ। उन चारों में गहरी मित्रता थी। वो मिलजुल कर रहते थे, खूब बातें करते थे और खेलते थे। वन में एक निर्मल जल का सरोवर था जिसमें कछुआ रहता था। सरोवर के तट पर ही जमुना का पेड़ था, उसी पर बने घोंसले में कौआ रहता था। पेड़ के नीचे जमीन में बिल बनाकर चूहा रहता था, निकट ही घनी झाड़ियों में हिरण रहता था। एक दिन शाम को चूहा और कौआ तो लौट आए, परंतु हिरण नहीं लौटा। तीनों मित्र उनकी राह देखने लगे, उनका मन खेलने को ही नहीं हुआ। कछुआ भर्राए गले से बोला, वाह तो रोज तुम दोनों से भी पहले लौट आता था, आज पता नहीं क्या बात हो गई जो अब तक नहीं लौटा। मेरा तो दिल डूबा जा रहा है, लगता है वह किसी मुसीबत में पड़ गया है। अब हमें क्या करना चाहिए? वह जिधर हमेशा चरने जाता है उधर मैं उड़कर देख आता, पर अंधेरा गिरने लगा है, हमें सुबह तक प्रतीक्षा करनी होगी। चूहे ने चिंतित स्वर में कहा, मैं भी कछुआ भाई के साथ चल सकता हूँ। कौए भाई तुम तो पढ़ते ही चलते पढ़ते। सुबह होते ही कौआ उड़ते उड़ते चारों ओर देखता जा रहा था। रास्ते में कछुआ और चूहा उसे जाते नजर आए। कौए ने उसे सूचना दी, वह खोज में आगे जा रहा है। अब कौए ने हिरण को पुकारना शुरू किया, मित्र हिरण तुम कहाँ हो? आवाज़ तो दो मित्र। तभी उसे किसी की रोने की आवाज़ आई, वह सीधा उस जगह पहुँचा जहाँ हिरण एक शिकार के जाल में फंसा झटपटा रहा था। हिरण ने रोते हुए बताया, शिकारी आता ही होगा, वह मुझे पकड़ ले जाएगा। अब मेरी कहानी खत्म, समझो मित्र, कौए तुम चूहे और कछुए को भी मेरा अंतिम नमस्कार कहना। मित्र हम जान की बाजी लगाकर भी तुम्हें छुड़ा लेंगे, हिरण ने निराश होते हुए कहा। लेकिन तुम ऐसा कैसे कर पाओगे? कौआ बोला, सुनो मैं मित्र चूहे को पीठ पर बिठा कर ले आता हूँ, वह अपने पैने दांतों से जाल कुतर देगा। जाल कुतर देगा? कौआ कछुआ और चूहे के पास पहुंचा। मित्रों हमारे मित्र रण की जान खतरे में है, हमें उसे छुड़ाना होगा, उसके लिए हमें क्या करना होगा जल्द बताओ। चूहे के तेज दिमाग ने कौए को इशारा समझ लिया था, बोला, घबराओ मत कौए भाई, मुझे अपनी पीठ पर बैठा कर हिरण के पास ले चलो। कौए चूहे को ले आया, चूहे को जाल कुतर कर हिरण को मुक्त करने की अधिक देर लगी, तब तक कछुआ भी वहां आ पहुंचा था। मुक्त होते ही हिरणों के मित्रों को धन्यवाद दिया। एकाक हिरणों के मित्र को चेतावनी दी, भैया देखो भाई शिकारी आ रहा है, तुरंत छिप जाओ। चूहा फौरन पास के एक बिल में घुस गया। कौआ उड़कर पेड़ की ऊंची डाल पर जा बैठा, हिरण की ओझल में गया, परंतु कछुआ दो कदम न जा पाया था। शिकारी का दमका, भैया देखो शिकारी आ रहा है, तुरंत छिप जाओ। उसने जाल को काटा, देखकर माथा पीट लिया। जाल किसने काटा यह जानने के लिए वह इधर उधर देख ही रहा था कि उसकी नज़र कछुए पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठी, वाह भागते चोर की लंगोटी ही सही, अब यही कछुआ मेरे परिवार के आज के भोजन के काम आएगा। बस उसने कछुए को उठाकर अपने थैले में डाला और जाल समेट कर चलने लगा। कौए ने तुरंत हिरण व चूहे को बुलाकर कहा, मित्रों हमारे मित्र कछुए को शिकारी थैले में डालकर ले जा रहे हैं, हमें अपने मित्र को छुड़ाना चाहिए, लेकिन कैसे? मैं लड़खड़ाता हुआ शिकारी के आगे निकलूंगा, कछुआ वाला थैला छोड़ वह मेरे पीछे दौड़ेगा और मैं उसे दूर ले जाकर चकमा दे दूंगा। हाँ योजना अच्छी थी, लंगड़ाकर चलते हिरण को देखकर शिकारी की खिल उठी, वह थैला पटक कर हिरण के पीछे भागा। हिरण चौकड़ी भरता वहां से गायब हो गया। अब कछुए ने ही काम चलाने का इरादा बनाकर लौटा तो उसे जाल खाली मिला, उसमें छेद था। इस तरह शिकारी मुंह लटकाकर खाली हाथ लौट गया। अगर हमारे सच्चे मित्र हो तो जीवन में बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना आसानी से किया जा सकता है।